जय माँ दादी, जय माँ कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हूं फट, ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः। बहुत से मनुष्य मंत्र गलत बोलते हैं और फिर कहते हैं कि साहब हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। मंत्र जब भी बोले गुरु से प्राप्त करने के बाद ही बोलना चाहिए और पहले उस मंत्र की जांच कर ले कि मंत्र सही भी है कि नहीं, या गुरु के द्वारा कुछ भी दिया गया हो सही होता है, परंतु फिर भी उस मंत्र का अर्थ आपको याद होना चाहिए। ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः। ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः। ओम मनोजो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्ध। हनुमान जी की सेवा करना चाहते हो, हनुमान जी की त्याग तपस्या करना चाहते हो, हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए। और हनुमान जी की जब भी हम तपस्या करते हैं या साधना करते हैं तो नियम यह है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। श्री राम, जय जय राम कम से कम आधे घंटे तक रोज सवेरे शाम दोनों समय बोलना चाहिए, तब जाके हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर हनुमान जी की कृपा लेना हो मनुष्य को तो हमारे शरीर के अंदर जो 10 राक्षस बैठे हुए हैं जिनका वध माँ भगवती आद्य शक्ति और दुर्गा देवी जी ने किया था, उन राक्षसों का वध आपको भी करना है, तब तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष, ये 10 राक्षस होते हैं और इन्हीं का वध देवी जी ने किया है। अब जैसे हम कह ले राग द्वेष यानी मधु केटप, राग यानी मधु केटप निद्वेष, इसी प्रकार अन्य राक्षस भी हैं। चलो वो अलग बात हो गई, अब हम आपको रहस्यमय ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। बहुत से मनुष्य हमें कहते हैं कि साहब हमें तो परोपकार करते करते कई वर्ष हो गए, बहुत से लोगों की सहायता करी, बहुत से लोगों की मदद करी, लावारिश लाशों को बहुत को जलवाया, जिनके पास पैसा नहीं था कफन का उनके लिए कफन की व्यवस्था की, कोई लावारिश व्यक्ति है जिसका कोई जलाने वाला नहीं तो हम जलाने वाले रहे, हमने बहुत सेवा की परंतु आज तक हमें कोई इनाम नहीं मिला। आप सेवा करते तो कोई इनाम की आवश्यकता है क्या? भगवान देख रहा है, आप परोपकार करते जाइए, भगवान इनाम देगा। किसी सरकार से इनाम की इच्छा मत रखो, आशा मत रखो। आप कोई जरूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हो वो सब पेपर में आ जाए, न्यूज में आ जाए और आपको इनाम मिल जाए। तो शुभ कर्म करते रहते हैं तो उस बहुत से लोग कहते हैं साहब हम तो शुभ कर्म करते करते थक गए परंतु हमें आज तक कोई फल नहीं मिला, उल्टा आपकी हमारी जेब से ही पैसा लगाया। तो वो तो परोपकार करना है तो पैसा तो लगाना पड़ता है, परंतु इसके पीछे का मैं रहस्य आपको आज बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे टच में हैं जो परोपकार का काम करते पर उन्हें किसी प्रकार की कोई सरकार से या अन्य व्यक्तियों से मदद नहीं मिलती है। वो अपने लेवल पर जितना उनसे बन पड़ता है उतना परोपकार का काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, भूत प्रेत निकालते हैं, दवाई दारू भी देते हैं अपनी जेब के पैसे लगा करके, और जो उनसे ठीक होकर के चला जाता है कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भी उनको पैसे दे दे। बहुत से व्यक्ति आते हैं फ्री में काम करा कर चले जाते हैं। तो शुभ कर्मों का फल कोई जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मिल जाए, अर्थात जब सेवा परोपकार दान दया इत्यादि अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिलता तब लोग इस तरह की शिकायत भरी भाषा बोलते हैं। परंतु क्या आपने आज तक कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि देखिए साहब मैं 20 वर्षों से या 10 वर्षों से चोरी कर रहा हूं, मैं लूट मार कर रहा हूं, अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहा हूं, मुझे अब तक इन पापों का दंड क्यों नहीं मिला? ऐसा बोलने वाला कोई नहीं मिलता है। शायद ऐसी शिकायत आपने अभी तक नहीं सुनी होगी,
और न भगवान से वो बोलता है, क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक बात है। मनोवैज्ञानिक बात यह है कि व्यक्ति अच्छे कर्म का फल तो भोगना चाहता है, परंतु बुरे कर्म का फल नहीं भोगना चाहता। अब यह कोई न्याय है? बिल्कुल नहीं है। यदि आप अच्छे कर्म का फल भोगना चाहते हो तो बुरे कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। न्याय इसी को तो कहते हैं। फिर दूसरी बात यह भी है कि जनता की इच्छा से कर्मफल व्यवस्था नहीं चलती है। कर्मफल की व्यवस्था तो ईश्वर के द्वारा जो संविधान लिखा गया, ईश्वर के वहां पर जो न्याय का संविधान है, वह उसके अनुसार चलती है। और ईश्वरीय न्याय का संविधान यह कहता है कि जब किसी कर्म के फल देने का समय आएगा तब ही उसका फल दिया जाएगा। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। आज आपने पौधा लगा दिया है, उसको बढ़ने दो, फिर उस पर फल आने दो और उन फल को भी पकने दो। समय लगता है। तो यदि आपके अच्छे कर्मों का फल अभी तक नहीं मिला है तो चिंता मत करो, ठीक समय आने पर वह अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के बुरे कर्मों का फल भी अभी तक नहीं मिला है उसकी भी चिंता मत करो, उसको भी समय आने पर अवश्य फल मिलेगा। यदि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। यानी कि प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही भोगना पड़ेगा और इस जन्म का अकर्मण्य कर्म भी भोगना पड़ेगा और संचित कर्म भी भोगना पड़ेगा। परंतु आपको बस समय की प्रतीक्षा करना होगी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के न्यायालय में देर है परंतु अंधेर नहीं है। यह बात भी बहुत बड़ा झूठ है। वहां कोई देर नहीं है, वहां सब काम ठीक समय पे होता है, ठीक न्यायपूर्वक होता है। देर से फल देने में ईश्वर का क्या स्वार्थ? कोई स्वार्थ नहीं है ईश्वर का, कुछ भी नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग ऐसे वाक्य बोलकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि ईश्वर के न्यायालय में सब कार्य ठीक समय पर होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति झूठ, छल, कपट आदि बुरे कर्म करता है तो तनाव के रूप में ईश्वर का दंड तत्काल आरंभ हो जाता है। कुछ भी देर नहीं लगती है और यह तनाव तो छोटा सा फल मिलता है, उसका पाप का पूरा फल तो पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में आगे कई जन्मों तक भोगना पड़ता है, जो कीट पतंगों के रूप में आता है, पशु के रूप में आता है, पक्षियों के रूप में आता है। यानी इसीलिए तो ये योनियां बनाई गई है जिनको भोग योनि बोलते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल भोगने को मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा कर्म फल भोगने का मिलेगा। इसीलिए योनियां बनाई है कि आप न जाने कौन कौन सी योनियों में जाओगे और न जाने कौन कौन से पाप कर्मों का फल किस तरीके से भोगोगे, यह आपको नहीं मालूम है। कई बार हो सकता है आपको भूखा रहना पड़ जाए, प्यासा रहना पड़ जाए, आपको पानी भी नहीं मिले, आपको अन्न भी खाने को नहीं मिले। हो सकता है कोई आपकी टांग तोड़ दे, हो सकता है कोई आपको अंधा कर दे, कोई आपके ऊपर गोली चला दे, कोई हिंसक जानवर आपको खा जाए। और आपके द्वारा जल्दबाजी करने पर कोई जरूरी नहीं कि फल जल्दी मिल जाएगा, वह तो अपने समय पर ही आएगा। जैसे कोई व्यक्ति गेहूं का बीज बोकर यह शिकायत करे कि मेरे 15 दिन हो गए अब तक गेहूं की फसल नहीं मिली, तो उसका यह उतावलापन तो बिल्कुल सरासर गलत, क्योंकि गेहूं के बीज की फसल 15 दिन में मिल ही नहीं सकती, कम से कम 3-4 महीने तो लगते ही लगते हैं। यह उसका उचित समय है, इसलिए 3-4 महीने तक उचित समय की उसे प्रतीक्षा करना पड़ती है। यह व्यवस्था सभी कर्म फल के विषय में आपको समझ लेना चाहिए। जिन पशु पक्षियों को आप देखते हैं यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का ही तो फल है कि उन्होंने कुछ पाप कर्म पिछले जन्म में किए थे, इसलिए फल अब उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसी तरह जो लोग इस जन्म में पाप कर्म कर रहे हैं उनको अगले जन्मों में इन्हीं पशु पक्षी की तरह कीड़ा मकोड़ा वृक्ष वनस्पति आदि योनियों में दंड भोगना पड़ता है। और आज जो बच्चे अच्छे विद्वान, धनवान, बुद्धिवान, चरित्रवान, ईश्वर भक्त, देशभक्त,
माता पिता के घर में जन्म ले रहे हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं और कलाओं से युक्त हैं, वह उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अच्छे कर्मों का फल है। इसी प्रकार से जिन्हें इस जन्म में अपने शुभ कर्मों का फल नहीं मिला तो उन्हें इनकी तरह अगले जन्म में उत्तम विद्वान धनवान बुद्धिमान आदि गुण वाले माता पिता के घर में इनको जन्म मिलेगा और इस जन्म किए गए शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा। यह ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है। बस आप ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को समझने का प्रयास करें कि कोई जरूरी नहीं कि आप इस जन्म में जो कर्म करें उसका फल इस जन्म में आपको मिल जाए, यह कोई गारंटी नहीं है जो वेद आदि शास्त्रों में हमारे यहां बताई गई है। अतः फल प्राप्ति में उतावलापन मत करो या जल्दबाजी मत करो, नास्तिक मत बनो, भ्रांति मत फैलाओ, बल्कि समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि आप नास्तिक बन जाते हो यदि आप कर्म करते हो और आपको फल नहीं मिलता है तो आप नास्तिक हो जाते हो। क्यों भगवान को छोड़ देते हो, क्यों आप भगवान के विरुद्ध में हो जाते हो? बस आप अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जब वृक्ष बड़ा होगा उस पर फूल आएंगे, कलियां आएगी और फिर फल अवश्य आएगा और फिर वह फल पकेगा तब उसमें से रस मिलेगा और रस पियोगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी, तभी आप परमानंद से मिल सकते हो। जय माता दी, जय मा कामाख्या। इसी को कर्म फल का सिद्धांत कहा जाता है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप भगवान से कभी भी दूर मत होइए, उनका हमेशा स्मरण करते रहिए। हो सकता है भगवान ने सजा स्वरूप आपकी परीक्षा के रूप में इस कुछ विशेष दिन आपके साथ में कोई घटना घटित कर दी हो, तो भगवान से रुष्ट मत होइए। हो सकता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कई जगह हम देखते हैं मृत्यु हो जाती है, कई बार होता है कि हम दुर्गा जी का विसर्जन करने के लिए मूर्ति जाती है वहां पे पानी में डूब कर मर जाते हैं, गणेश विसर्जन होता है उस समय पानी में डूब करके मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी को रखना बंद कर दो या गणेश जी की पूजा करना बंद कर दो, वो तो ईश्वर है, वो अपने कर्म वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, तुम सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हो, मैं तो सिर्फ सृष्टि को चलते हुए देख रहा हूं। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम ग्लिम कृष्णाय नमः, 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 ओम ग्लिम कृष्णाय नमः।